उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया, जबकि खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी होंगी। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देने वाले बीजेपी के रघुराज शाक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। इस साल फरवरी में रघुराज शाक्य ने प्रसपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज दो बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा में सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विक्रम सैनी को हेड स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस वजह से उन्हें सीट छोड़नी पड़ी थी। अब बीजेपी ने इस सीट से विक्रम सैनी की पत्नी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर सपा की सहयोगी पार्टी RLD चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।